नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेजर आईटी। दोस्तों, चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसी थी उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 1 जून और 2 जून को है। इसमें दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी सारे बच्चों का डाउट है, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे पास कुछ कैंडिडेट के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है और कुछ कैंडिडेट के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो इसमें मैंडेटरी रहेगा नहीं रहेगा, या जिन स्टूडेंट के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है उनको और कोई सपोर्टेबल डॉक्यूमेंट वहाँ पे यूजफुल होगा या नहीं होगा, इसकी वीडियो दोस्तों कंप्लीट हम चर्चा इसके बारे में करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये चंडीगढ़ असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिस निकला था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इसमें जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, इसमें दोस्तों जो आप फाइनल लिस्ट की चार्ट आई है उसमें 3 टाइम बच्चों को बुलाया गया है, मतलब अपने से कैटेगरी के 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है दोस्तों। तो इसमें आप दोस्तों सोच सकते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट हैं जो बुलाए गए हैं वो समथिंग 155 के समथिंग कैंडिडेट बुलाए गए हैं और जो वैकेंसीज है वो 53 है। तो अब इससे दोस्तों आइडिया लग गया होगा आपको कि 3 गुना बच्चों को दोस्तों इसके अंदर बुलाया गया है। अब दोस्तों इसकी जो मेन बात करते हैं हम असेंशियस क्वालिफिकेशन के अंदर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखिए जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें उन्होंने 3 चीज़ की दोस्तों मेन इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप मैट्रिक पास होने चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद दोस्तों आपके पास ITI होनी चाहिए, वो ट्रेड सर्टिफिकेट है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से या लाइनमैन से, इन तीनों के अंदर दोस्तों आपके पास ITI होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट इसके बराबर भी दोस्तों आप चल जाएगा। साथ ही दोस्तों जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपने हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज से आप पास आउट होने चाहिए। और दोस्तों इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ स्किल कोर्स है उसके अंदर कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो मांगा है 80 आवर्स का, ये उन्होंने मांगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है ये मांगा है इसके अंदर दोस्तों, ये जो बताया हुआ है डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या फिर जो आपका नीलाइट की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है उन दोनों इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास ये ट्रिपल सी का दोस्तों सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट दोस्तों मैंडेटरी हैं इसके अंदर, आपकी 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अब जिन कैंडिडेट के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन कैंडिडेट के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, अगर आपने कोई और कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है अगर आपके पास वो है तो शायद दोस्तों मे बी वहाँ पे अगर आपके नंबर ठीक हैं क्या तो आपका मौका मिल जाए, पर दोस्तों इसमें हम आपको कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं कि 100% आपका वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, या आपके अपने रिस्क पे होगा। अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है कोई और सर्टिफिकेट है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कराने जाते हो तो क्या पता आपका वो चल जाए या फायदे वे नहीं भी चल पाए, इसमें दोस्तों दोनों सी बात है, ये आपके रिस्क के ऊपर रहेगा। नोटिफिकेशन में इन्होंने दोस्तों साफ साफ चीज़ मेंशन किया है तो ट्रिपल सी तो मैंडेटरी है दोस्तों, ये तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे ले जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, अगर वो सर्टिफिकेट चल गया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर आपको DV से दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा। अगर जो नज़दीकी कैंडिडेट हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन जो दूर के कैंडिडेट हैं अगर जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है तो मेरी राय रहेगी कि वो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपकी काम की रही होगी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन टच, जय हिंद, वंदे मातरम।